इन दिस वीडियो ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन हम एक स्ट्रिंग के आउटपुट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप देखो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे वो कह रहा है कि एक रिजल्ट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर क्रिकेट पास हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो नीचे देखो एक क्रिकेट लिखा हुआ है, ये क्रिकेट ऊपर एस के पास जा रहा है और वो कह रहा है कि एन उसके उसकी लेंथ अपने पास रखेगा और ये एस टी आर जो कैपिटल में मैंने लिखा है ना, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो एम टी है, ये अपने अंदर इसमें से जो एस के अंदर जो करेक्टर्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर्स में कर रखी हैं, इनके हिसाब से वो अपने इसमें उन्हें ज्वाइन करेगा और एक नया स्ट्रिंग बन के आएगा जो बाद में प्रिंट एसटीआर के थ्रू आपको बताना है कि क्या है, जो आपको बाद में प्रिंट एसटीआर के थ्रू बताना है कि वो आउटपुट आया क्या, आपको आउटपुट बताना है इसका, लेकिन क्वेश्चन पूरा समझना है। अब हम एक एक करेक्टर बाय करेक्टर इसको देखेंगे कि कैसे आंसर निकल के आ रहा है। देखो मैंने क्या करा, पहले क्रिकेट को अलग 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 बॉक्सेस में रख दिया, मतलब मैं समझ गया हूँ ये स्ट्रिंग है एस के पास आ रहा है तो इसके अपने इंडेक्स नंबर्स होंगे, तो मैंने उनके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके रख दिया। इधर मैंने एन को इक्वल टू 7 भी कर दिया, मतलब मुझे पता है उसकी लेंथ जो है 7 है, लेकिन चलेगा वो एक कम क्योंकि यहाँ लिखा है फॉर आई इन रेंज 0, n, n मतलब 7, 7 मतलब एक कम हो जाएगा, क्यों, रेंज के अंदर एक लेस चलता है। अब नेक्स्ट थिंग क्या करें, हमने हमें पता है ये एस टी आर जो हमारा ब्लैंक है इसके अंदर हमें यहाँ से एक ही करेक्टर को लेना है और इसके हिसाब से जो भी चेंजेस करने हो करके इसको इसमें ज्वाइन करते जाना है। मैंने क्या करा, देखो चार के चार ऑप्शंस जो आपकी जो इफ़ है ना, इफ़ एलिफ एलिफ एल्स, मैंने यहाँ पर देखो ऐसे करके लिख दिए, उनके सेम कलर मैंने वहाँ पर दे रखे। अभी बताता हूँ इसमें मैंने क्या करा, देखो पहला वाला जो इफ़ है अगर तुम उस पर देखोगे वो कह रहा है कि ए से लेकर एम तक, मतलब तो मैंने ए से लेकर एम तक सारे करेक्टर्स यहाँ लिखे। दूसरे केस में कह रहा है चेक करो एन से लेकर जेड तक, तो मैंने सारे एन से लेकर जेड तक करेक्टर यहाँ रख दिए। थर्ड एलिफ में वो कह रहा है कि अपर चेक करो, तो मैंने यहाँ पर इज अपर लिख दिया और जब बाकी कुछ नहीं बचा तो कहाँ चला गया, एल्स में चला गया। तो अब एक समझ अच्छी तरह समझ लो इस चीज़ को कि वो ए स्मॉल और एम स्मॉल है, एन स्मॉल है और यहाँ जेड स्मॉल है, तो सिर्फ स्मॉल अल्फाबेट्स को ही चेक कर रहा है ये। कैपिटल के केस में ये कहाँ जाएगा, अपर वाले केस में जाएगा। अब मैंने इसके बाद देखो क्या करा, मैंने सबसे पहले लूप चला आई ज़ीरो से, तो ज़ीरो में कौन बैठा हुआ है, मैंने एरो भी बना रखा है, देखो सी बैठा हुआ, सी किस में है, वो कैपिटल में है। अब वो क्या करेगा अपने को, वो पहले इस वाले एफ से चेक करेगा कि क्या मैं ए से लेकर एम के बीच में हूँ, हो ही नहीं सकता, तो वो फॉल्स हो गया। फिर वो एलिफ में गया, उसने कहा क्या मैं एन और जेड के बीच में हूँ, मतलब एन से लेकर जेड के बीच में, उसने कहा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर वो कहा गया थर्ड एलिफ में गया, यहाँ पर जैसे ही गया तो वो पता लग गया कि यस जो करेक्टर यहाँ पड़ा है वो भाई अपर है, तो इसका मतलब आंसर आपका ट्रू निकल रहा है। तो उसके अंदर क्या कंडीशन लिखी है कि जो एस टी आर है उसमें तुम ऐसा करना है, जो एक करेक्टर आया है इसको लोअर करके स्टोर कर देना। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये जो सी है ना, ये सी डॉट लोअर हो गया, तो सी कैपिटल से स्मॉल बन गया और देखो ऊपर वहाँ पर स्मॉल आपका सी यहाँ पर आ गया लोअर केस में, ये पहला हो गया। अब वो नेक्स्ट उसमें आएगा कौन सा हुआ, आई की वैल्यू बन गई 1 और करेक्टर बन गया स्मॉल आर, उस केस में पहले में तो मिलेगा नहीं, ए से एम में होता नहीं है, लेकिन वो कहाँ मिला, वो जाकर के आपको मिल गया किस में, एन से लेकर जेड के बीच में, तो यहाँ पर आकर के वो क्या बन गया, ट्रू बना। तो उसने क्या करा इसके बाद, उसने कहा एस टी आर के पास जो भी करेक्टर पड़ा है उसमें तुम इसके एस ऑफ आई माइनस 1 वाले करेक्टर को ज्वाइन कर दो। अब आप जाके पहले ये देखोगे आई कहाँ पर है, आई बैठा है 1 पे, और माइनस 1 करोगे तो आई की पोजीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और 0 में यहाँ क्या रखा हुआ है आपको देखोगे यहाँ पर कैपिटल सी, तो उसने क्या कहा जो आपके पास पहले से स्मॉल सी है उसके संग कैपिटल सी को ज्वाइन करा दो, तो उसी के देखो बगल में जा करके कैपिटल सी आ करके बैठ गया, ये देखो यहाँ पर। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, आई की वैल्यू बनी 2 और वहाँ उसमें क्या मिला स्मॉल आई। अब आई कौन से वाले इफ़ में आएगा, इफ़ में आपका पहले वाले में ए से एम वाली रेंज में, तो जैसे ही उसे मिलेगा तो वो उसे क्या करना है, उसने कहा उसको आप कैपिटल बना करके जो पहले से सी और सी है उसके आगे रख देना, तो ये आई अब यहाँ पर जाएगा और वो कैपिटल में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में आई की वैल्यू 3 बनी, 3 में फिर आपको कौन मिला स्मॉल सी मिला,
तो अब ये किस में है, ए से लेकर एम के बीच में, तो यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है, ये छोटा है इसको आप अपर में कन्वर्ट कर दो, वही लाइन है, तो उसने को वहाँ पर क्या कह रहा है, सी को कैपिटल करके रख दिया। नेक्स्ट आपका कौन सा है, के स्मॉल, के स्मॉल में भी वो किस में आ रहा है, ए से एम के बीच में, ट्रू हो गया, तो उसने क्या बोला, अब जो सी स्मॉल सी कैपिटल आई और कैपिटल सी है इसके बगल में ही उसे अपर करके उसे रख दो, तो देखो के भी वहाँ जाके बैठ गया। नेक्स्ट केस में कौन सा आया, ई आया, वो भी आपको यहीं मिल रहा है, वो भी इसको क्या करेगा, अपर करेगा, वो भी वहाँ जा करके बैठ जाएगा, वैसे ही देखो कैपिटल है। लास्ट आपको क्या मिला, टी, वो कहाँ पर है आपका, वो आपका किस में मिला, एन से लेकर जेड में, तो आंसर आपका ट्रू निकला। और उसमें वो क्या कह रहा है, क्या करो, उसने कहा जो आपके यहाँ सी सी आई सी के ई पड़ा है उसमें तुम एस ऑफ आई माइनस वन को ज्वाइन करा दो। अब एस ऑफ आई माइनस वन मतलब सिक्स माइनस वन, वो कह रहा है फिफ्थ पोजिशन, अब फिफ्थ पोजिशन में आप जाकर के देखो मेन स्ट्रिंग में आपका स्मॉल ई पड़ा है, वो कह रहा है अब इसके आगे ई के स्मॉल ई को रख दो ऐसे।